अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे यूजलेस फैक्ट्स दिखाएंगे जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग हैं। जब जहाज पर कोई नया लड़का आता है तो उसके साथ कुछ इस किस्म के मजाक किए जाते हैं। कहाँ जा रहे हो? लाइफ बोट में सर। लाइफ बोट की सीट बुक कराई है तुमने? जिम को यूज करने के चार्जेस दिए, स्मोक रूम यूज करने के चार्जेस पे किए। लाइट बंद करके क्यों बैठा हुआ है? और एसी क्यों बंद किया हुआ है? पैसे दिए इसके, खाने का बिल दिया। These are not the serious things. ये सिर्फ इसलिए की जाती है because all of us are away from the family. तो family से दूर एक family बनाने के लिए थोड़ा बहुत हंसी मजाक किया जाता है। और secondly, वो बेचारा नया लड़का आया होता है पहली बार जहाज के ऊपर, तो वो भी थोड़ा सा इस बहाने रिलैक्स हो जाएगा। अदरवाइज जहाज के ऊपर खाना होता है फ्री, स्मोक रूम के कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं होते, ना ही चार्जेस होते हैं लाइफ बोट के, और ना ही आपको जिम इस्तेमाल करना मना होता है। और ऑफकोर्स बिजली भी फ्री होती है, एसी भी फ्री होता है, आपको किसी किस्म के कोई भी चार्जेस नहीं देने होते। ये सिर्फ हम थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेते हैं, शुगर लगा लेते हैं दिल बहलाने के लिए। जहाज की ये वाली जगह जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसको कहते हैं मंकी आइलैंड। ये जहाज का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है। अगर हम इसका उर्दू में तर्जुमा करें तो इसका मतलब होगा एक ऐसा जजीरा जहाँ पे बंदर रहता है। ऑब्वियसली यहाँ पे बंदर तो कोई भी नहीं रहता, लेकिन ये नाम कब रखा गया, क्यों रखा गया, किसने रखा, नोबडी नोज, बट दिस पार्ट ऑफ द शिप इज कॉल्ड मंकी आइलैंड। उसके बाद बहरी जहाजों के भी विंग्स होते हैं। ये जगह जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसको कहा जाता है जहाज का विंग। This is on the right side, so this is called starboard wing, और दूसरा जो कि port side पे होगा, that is called as port wing. अगर आप इन wings को बिल्कुल सामने से देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जहाज ने अपने पर फैलाए हुए हैं। जहाज उड़ते तो नहीं है, बहरी जहाज उड़ते तो नहीं है, तो फिर why are they called wings? शायद इसलिए क्योंकि ये साइड पे निकले हुए हैं। So it's an interesting fact कि जहाज के wings तो होते हैं लेकिन बहरी जहाज उड़ते नहीं है। एक जहाज दिन में अमूमी तौर पर 24 घंटे चलता रहता है। इसका मतलब है कि जहाज के ब्रिज के ऊपर हर वक्त किसी न किसी ड्यूटी ऑफिसर की ड्यूटी जरूर होती है। जहाज पे अगर आपने गुजार लिए 5 या 6 महीने, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये रूटीन फिर पक्की हो जाती है। और स्पेशली मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि जब मैं घर पे भी होता था तो सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाता था और फिर बेगम हमें याद दिलाती थी कि भाई अभी सुबह के 4 बजे हैं, खुदा के लिए सो जाएं, ना हमें तंग करें मुफ्त में। आप जब जहाज के ऊपर आते हैं तो आपकी थोड़ी सी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। इट टेक्स यू अ बिट ऑफ टाइम टू गेट यूज्ड टू ऑल ऑफ दीस थिंग्स। तो फिर जब आपको एग्जैक्टली कॉल आती है ना रात के 12 बजे वॉच के लिए या सुबह 8 बजे वॉच के लिए, अगर आप देर से उठने वाले लोगों में से हैं, तो फिर आपको तकलीफ अच्छी खासी होती है। एक जहाज के ऊपर टाइम जोन हमेशा बदलता रहता है। हम जैसे जैसे डिफरेंट कंट्रीज में जाते रहते हैं, हम अपना टाइम तब्दील करते रहते हैं। ये वो घड़ी है कि जिसको हम जब तब्दील करते हैं तो पूरे जहाज का वक्त इकट्ठा एकदम तब्दील हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कभी हमारे पास शाम हो रही होती है तो घर पे सुबह हो रही होती है, और जब घर पे कभी शाम हो रही होती है तो हमारे पास सुबह हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस प्लेस, अभी हम लोग अमेरिका के पास हैं, तो हमारा कम अज कम 10 घंटे का फर्क है पाकिस्तान से, और 10.5 घंटे का फर्क हो गया इंडिया से, एंड सेम इज द डिफरेंस विद बांग्लादेश। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हम जब शाम के टाइम पे फारिग हो रहे होते हैं तो हमारे पास घरों में सुबह हो रही होती है। तो बेसिकली हमारी फैमिलीज को एडजस्ट करना पड़ता है हमारे टाइम के हिसाब से, क्योंकि हम ये तो कर नहीं सकते कि अपने काम का शेड्यूल एडजस्ट करें और फिर फैमिलीज को टाइम दें। इनफैक्ट फैमिलीज को ये पता होता है कि हम किस वक्त फारिग होंगे, और वो फिर बेचारे उस वक्त दिन में, सुबह में या शाम में वक्त निकाल के हमसे बात करते हैं। ये जहाज का एक कैलेंडर है। आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि लोग जैसे जैसे दिन गुजरते रहते हैं वैसे वैसे दिन काटते रहते हैं। बहरी जहाज के ऊपर भी कुछ इसी किस्म का सिनेरियो हो रहा होता है। मैं अपने कमरे के कैलेंडर के ऊपर दिन काटता रहता हूं, और मेरा ख्याल यही है कि हर ड्यूटी ऑफिसर और हर इंजीनियर अपने अपने कमरे में कैलेंडर के ऊपर दिन काटते रहते हैं। इस तरीके से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि हमारा कितना टाइम जहाज के ऊपर गुजर गया और कितना टाइम हमने अभी और जहाज के ऊपर गुजारना है। जैसे जैसे साइन ऑफ के दिन करीब आते जाते हैं, वैसे वैसे एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है, और वैसे वैसे कैलेंडर के ऊपर सर्कल्स बड़े होते जाते हैं। लेकिन इसका एक और मतलब भी होता है कि जैसे जैसे आपके साइन ऑफ के दिन करीब आते जाते हैं, वैसे वैसे आपका जहन तब्दील होता रहता है। हर एक का तो नहीं, लेकिन मैंने काफ़ी सारे केसेस में ये देखा है कि शुरू में जब आप आते हैं तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं काम करने के बारे में, और कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी दिनों में आप एक्साइटेड होते हैं सिर्फ घर जाने के बारे में। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात, जहाज के ऊपर हॉलीडे नहीं होता। अगर आप ड्यूटी ऑफिसर्स की बात करें, गैली स्टाफ की बात करें, और जहाज के नॉर्मल क्रू मेंबर्स की बात करें, तो शिप इज ऑलवेज रनिंग। जिस दिन आपका साइन ऑन होता है, यानी कि आप जहाज के ऊपर आते हैं, उस दिन से लेकर और आपको जहाज पर रहने के आखिरी दिन तक काम करना पड़ता है। इसकी एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है गैली स्टाफ, हमारे ड्यूटी ऑफिसर्स। चाहे हफ्ते का दिन हो, चाहे इतवार का दिन हो, चाहे जहाज समंदर में हो, चाहे जहाज पोर्ट में हो, उनको बेचारों को लगातार काम करना ही पड़ता है। ये लोग अगर खाना नहीं बनाएंगे तो हम लोग खाना खाएंगे कैसे? तो ये लोग अगर जहाज को छोड़ के जाएंगे और कमरे में हॉलीडे बनाएंगे तो जहाज चलाएगा कौन? तो इन बेचारों की कभी भी किसी भी किस्म की कोई भी छुट्टी नहीं होती।
एंड व्हेन सम न्यू ज्वाइनर्स कम ऑन शिप और जब उनको पता चलता है कि यार जहाज पर छुट्टी कोई नहीं होती तो दे गेट अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। तो अगर आपका इरादा है जहाज के ऊपर आने का तो अपना जहन ये बना कर आइएगा कि दिस माइट बी द केस कि शायद आपको जहाज पे कभी भी हॉलीडे ना मिले। जहाज पे ज्वाइन करने के पहले दिन से लेकर और आखिरी दिन तक आपको काम करना पड़ता है अंटिल द टाइम यू गेट डाउन फ्रॉम द गैंगवे। बहरी जहाज के ऊपर इंटरनेट एक रेयर कमोडिटी होती है। ये हमारे जहाज के वाईफाई का राउटर लगा हुआ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको यहां पे वैसा ही इंटरनेट मिलेगा जैसा कि आपको घर पे मिलता है। अगर आप बात करें डेटा लिमिट्स की तो वो वैसे ही बहुत कम होती है। तो वो नए बच्चे जो कि जहाजों के ऊपर आना चाह रहे हैं उनको मैं पहले से आगाह कर दूं कि एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू शिप्स आपके पास इंटरनेट इंतहाई लिमिटेड होता है और इंतहाई एक्सपेंसिव होता है। दिस मीन्स कि आप अपनी फोटोज इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड नहीं कर सकते एंड इफ यू स्टिल वॉन्ट टू डू देम प्रॉबेबली यू वोंट हैव दैट मच ऑफ डेटा। जहाज के ऊपर खाने के होते हैं फिक्स्ड औकात। सुबह 7 से 8 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट होगा, दोपहर को 12 से 1 बजे लंच होगा और शाम को 6 से 7 बजे तक आपका डिनर होगा। नाउ यू गाइज कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि घरों के ऊपर हमारे ये टाइमिंग्स नहीं होते। बच्चों का अपना टाइम होता है और खासतौर पर दोपहर का खाना तो होता ही उस वक्त है जब बच्चे स्कूल से वापस आ जाए। सेम इज फॉर द इवनिंग, और अगर आप सो रहे हैं तो आप जब उठे जब जागे आपने खाना खा लिया। लेकिन जहाज पे जब हम इन फिक्स टाइम्स को फॉलो कर रहे होते हैं ना तो फिर घर जाने के बाद हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हमें एग्जैक्टली इसी टाइम पे भूख लगती है और फिर बेगम की कंप्लेन ही होती है कि यार जहाज से आ गए हो हमारे साथ बैठ के खाना तो खा लो। और एक और कॉमन बात ये होती है कि जब आपको जहाज की हवा लगी अब आपको हम थोड़ी अच्छे लगेंगे। मेरे ख्याल में आपको अपनी जिंदगी में जो सबसे बड़े रेफ्रिजरेटर कहीं पे भी मिल सकते हैं वो जहाज के ऊपर होते हैं। दिस इज आवर वेजिटेबल रूम, और अगर आप इसका सिर्फ शीयर साइज देखें इट्स एनॉर्मस। इसके अंदर बेतहाशा दुनिया जहान की चीजें पड़ी हुई हैं। ये हमारा डेयरी रूम है। अगर आप इसको खोलें तो अगेन दिस इज एनॉर्मस एंड दिस इज ह्यूज। अंदर आपको अंडे दूध जूस फ्रूट्स सब कुछ मिलेगा। एंड इफ यू कम ऑन दिस साइड तो ये है हमारा मीट रूम। दुनिया जहान का गोश्त इसके अंदर भरा हुआ है। मैं आपको जब ये कह रहा हूं ना कि आपको अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फ्रिज जहाज के ऊपर मिलेंगे तो आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाह रहे हो तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर, विल ट्राई टू मेक अनदर वन। मीन टाइम अगर आप ये देखना चाहें कि बरमूडा ट्रायंगल की हकीकत क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा और इसके बारे में डिफरेंट स्टोरीज मशहूर कैसे हुई तो उसके लिए क्लिक कीजिए यहाँ। और अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि जब मैं बरमूडा ट्रायंगल से गुजरा तो मेरा तजर्बा कैसा था और मैंने जिसमें आपको हकीकत में बरमूडा ट्रायंगल दिखाया है तो उसके लिए क्लिक कीजिए यहाँ। अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माय ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, दिस इज मी ज़ाहिद निसार। आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।